हरे कृष्णा, मुझे इस्कॉन में आए हुए 9 साल हो गए हैं। मेरा बचपन एक जॉइंट फैमिली में बीता है, जहां सभी दादा दादी चाचा चाची पम्मी पापा सब एक साथ रहते थे। लेकिन इस्कॉन का नाम कभी मैंने सुना भी नहीं था उस वक्त। लेकिन मेरे दादाजी, वो मुझे हमेशा विष्णु का स्टोरी सुनाते थे, विष्णु कृष्ण राम। इसके अलावा कभी मुझे किसी डेमी गॉड का स्टोरी उन्होंने कभी सुनाया ही नहीं। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि विष्णु इज़ द ग्रेट। हमेशा मुझे विष्णु सहस्त्र नाम करवाते थे, रोज डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया था। हमेशा हमेशा मेरे दादाजी मुझे करवाते थे, मुझे मंदिर लेके जाते थे काफ़ी। मतलब आज जो मेरा स्पिरिचुअल, मेरा जो बेस स्ट्रांग है, वो मेरे दादाजी की वजह से है। लेकिन करीबन 7 या 8 साल की जब मैं थी, तो मेरी जॉइंट फैमिली छोड़ दी थी, मम्मी पापा और हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद मम कभी स्पिरिचुअल लाइफ में कभी आगे बढ़ी नहीं, बिकॉज़ बाकी स्कूल कॉलेज ये सब हुआ, तो कभी उस चीज़ में ध्यान ही नहीं गया। लेकिन वो मिस करती थी मैं, कि दादाजी हमेशा पास में बैठते थे, कभी ये स्टोरी सुनाते थे, कभी वो स्टोरी सुनाते थे। वो चीज़ बहुत मिसिंग लग रहा था लाइफ में। कभी कभी मुझे बहुत बार सपने आते थे जो मेरे शादी के बाद बंद हुए। वो मेरे ड्रीम्स ये थे कि मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर दिखता था, और वो बड़ा से मंदिर में छोटे छोटे टेम्पल थे, एकदम छोटे छोटे, जिसमें बहुत सारे डेमीगॉड्स होते थे। और मैं उस मंदिर में बहुत कन्फ्यूज होती थी कि मैं किसके आगे हाथ जोड़ूं। ये सपने शायद मुझे इसलिए आते थे क्योंकि जब भी मम्मी पापा बोलते थे कि चलो मंदिर के आगे हाथ जोड़ो, तो घर के मंदिर में हमेशा बहुत सारे डेमीगॉड्स रहते थे, और मैं कभी समझ नहीं पाती थी कि मैं किसके आगे हाथ जोड़ूं या किसको मैं बोलूं। मतलब ऐसे सबको तो हाथ जोड़ूंगे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये सपने मुझे काफ़ी मतलब शादी तक चले, मुझे सपने बार बार आते थे बीच बीच में। लेकिन शादी के बाद जब मैं इस्कॉन में आई, तो ये सारे सपने मेरे बंद हो गए। मुझे समझा ही नहीं, कभी मुझे ये सपना नहीं आया वापस। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस्कॉन में आई हूँ, तो वो इतना खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा आप सही जगह पे हो, इस चीज़ में आप आगे बढ़ते जाना, क्योंकि ये बहुत अच्छा संप्रदाय है और आप इसमें आगे तरक्की ही करोगे। और जब मैंने उन्हें बताया चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ चैतन्य महाप्रभु को। तो मैं शौक हो गई, मतलब दादाजी तो इस्कॉन से जुड़े भी नहीं है, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कैसे पता। वो तो राजस्थान से रहते हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें पता है। देन मुझे मैं स्ट्रांगली मैंने फील किया कि नहीं, दादाजी ने जो कहा है वो सही है। फिर मेरा शादी का टाइम आया, तो प्रभु जी डिवोटी थे, बट मैं ना फिर बाद में प्रभु जी और मैं मिले, हमारी मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग। तो मेरा पहला प्रेफरेंस यही था कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो ड्रिंक और स्मोक ना करता हो। ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली में भी कही थी कि मुझे कुछ भी चलेगा, मतलब मुझे कोई रिच फैमिली नहीं चाहिए, कोई मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, सिर्फ मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो ड्रिंक और स्मोक से दूर रहना चाहिए। तो प्रभु जी और मेरा मीटिंग हुआ, तो प्रभु जी ने मुझे पूछा, आपको कोई क्वेश्चन है आपका? तो मैंने कहा, हाँ मुझे ऐसा पति चाहिए जो ड्रिंक और स्मोक ना करता हो। प्रभु जी ने कहा कि मैं इस्कॉन से बिलोंग करता हूँ, और मैं ड्रिंक और स्मोक तो दूर की बात है, 5 सुपारी भी नहीं खाता। देन आई फेल्ट गुड कि अरे अच्छा है, मतलब कि प्रभु जी ये सब नहीं करते। उसके बाद हमारा शादी, मतलब प्रभु जी की और मेरी शादी हुई। फिर मुझे पता चला उनकी फैमिली में जाके कि मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ भी डिवोटी है, और वो मुझे काफ़ी एनकरेज करते थे कि ये इस्कॉन में ऐसे होता है, ये इस तरह लाइफ जीनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, काफ़ी कुछ। बट मैं सोचती थी, क्या है ये सब, मतलब कितना ये प्रोसेस कैसा लंबा है, ये करो ये मत करो, ऐसे रहो वैसे मत रहो। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक कन्विंस नहीं होंगी तब तक मैं इस प्रोसेस में नहीं जाने वाली हूँ। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कहा कि आप हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु का सेल्फ डिस्कवरी का कोर्स कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं गई वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद जिस तरह मैंने प्रभु जी के लेक्चर सुना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मेरे एक एक क्वेश्चन के आंसर मुझे ऑटोमेटिकली मिलते गए, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि प्रभु जी ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसे क्यों करते हैं।
मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जो भी मेरे दिमाग में मेरे दिल में जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स प्रभु जी फटाफट देते गए। जैसे प्रभु जी ने कहा कि क्यों हम लाइफ में खुश हमेशा सोचते हैं कि हम खुश रहें, क्यों हम मतलब हम दुखों से दूर भागते हैं, क्यों हमें लगता है कि क्यों मैं ही क्यों ऐसे, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। जो चीज़ मैं काफ़ी समय से सोचती थी क्यों ऐसे मेरे साथ ही होता है, कितना तो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, कितना तो मानते हैं उनको, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जिस तरीके से प्रभु जी ने बताया कि नहीं, ये हमारे पिछले कर्मों के फल है जो हमें मिलने ही हैं, तो वो हमें मिलेंगे ही। ऐसा नहीं है कि मैं अगर भगवान की बहुत सेवा कर रही हूँ, कुछ भी करूँगी, तो मुझे इन फल ये फल नहीं मिलेंगे, ये फल मुझे फिर भी मिलेंगे। लेकिन जो हम अगर भगवान की भक्ति में रहते हैं तो हम उतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि वो प्रॉब्लम्स हमें प्रॉब्लम्स नहीं लगती है, और भगवान उन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, बिकॉज हमारे कर्मा हमारे हमारे जो रिसेंट कर्म है वो हमारे पुराने कर्मों को भी चेंज कर देते हैं। और जैसे कृष्णा ग्रेट क्यों है, मैं सोचती थी कि नहीं विष्णु इज़ द ग्रेट, तो लाइक उन्होंने बताया कि नहीं, कैसे कृष्णा ग्रेट है, वो गोलोक वृंदावन में है, उसके बाद सब एक एक करके स्टेप वाइज उन्होंने बताया। देन फिर प्रभु जी मुझे फर्स्ट टाइम काउंसलिंग मीटिंग लेके गए, तो मैंने देखा अरे इतने सारे डिवोटीज बैठे हैं और कुछ लेक्चर चल रहा है, और बहुत फिलोसॉफी लेक्चर चल रहा था जो मुझे बिल्कुल नहीं समझा, सब मेरे सर के ऊपर से गया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है वहाँ पे। और मैं बैठी थी, जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो सब ने मेरा वेलकम किया। देन फिर एक माता जी है जगन्नाथेश्वरी माता जी, उन्होंने मुझे इतना अच्छे से वेलकम किया और इतना प्यार दिया, इतना केयर दिखाया उन्होंने, कि मुझे मैं फर्स्ट चीज़ इसी चीज़ से अट्रैक्ट हुई इस्कॉन में आने के लिए कि डिवोटीज़ कितना प्यार करते एक दूसरे से। मुझे ऐसे लगा था ये मेरी फैमिली है, कभी मुझे लगा ही नहीं कि मेरी फैमिली नहीं है। मतलब एक पहले मुझे लगा काउंसलिंग मीटिंग मेरा फैमिली है, फिर मंदिर जाती थी, मंदिर में और डिवोटी से जुड़ी, फिर मेरा ऐसे फैमिली बढ़ता गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे लाइफ के कितने प्रॉब्लम्स हैं जिस टाइम पे मेरी फैमिली भी मुझे काम नहीं आई, लेकिन वही डिवोटीज मेरे लिए खड़े थे, तो मैं उन चीज़ों को और उन टाइम को कभी नहीं भूल सकती। और किस तरह मतलब प्रभु जी का एक्चुअली फर्स्ट बर्थडे था शादी के बाद, तो मैंने सोचा था कि मैं मतलब प्रभु जी को क्या दूँ, क्या ऐसा स्पेशल दूँ जो प्रभु जी को बहुत अच्छा लगेगा। दैट टाइम मैं डिवोटी नहीं थी और मैंने सोचा क्या दूँ क्या दूँ, फिर अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक काम करती हूँ, मैं चैंटिंग करती हूँ तो शायद प्रभु जी को अच्छा लगेगा। और मैंने चैंटिंग किया, और जब प्रभु जी का बर्थडे था और मैंने उनको बोला करके कि मैंने चैंटिंग किया, तो प्रभु जी इतना खुश हो गए। तो प्रभु जी ने ये होप ही छोड़ दिया था कि पता नहीं ये आएगी नहीं आएगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएगी क्या पता नहीं, और ये सब करेगी क्या, चैंटिंग करेगी क्या, काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करेगी क्या सब। तो प्रभु जी को काफ़ी टेंशन में थे कि वो पता नहीं ये करेगी या नहीं करेगी, लेकिन प्रभु जी ने कभी मुझे प्रेशर नहीं दिया किसी चीज़ का नहीं, इवन अनियन गार्लिक छोड़ने का नहीं, टी कॉफ़ी छोड़ने का नहीं, कभी नहीं। मैंने इवन शादी के एक साल तक मैंने टी कॉफ़ी भी पिया है, मैंने अनियन गार्लिक भी खाया है। इस वजह से भी मैं मेरा वृंदावन यात्रा भी कैंसिल हो गया था, जिसका मुझे बहुत दुख था, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे जब मैं कन्विंस्ड हुई, मैंने प्रभु जी को यही कहा कि जब तक मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ ना, तब तक मैं किसी भी चीज़ को ना छोड़ूंगी और ना ही कुछ करूँगी। देन फिर मेरा फर्स्ट यात्रा मायापुर था, और मैं मायापुर गई तो मैंने देखा इतना सुंदर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर कोई जगह हो सकती है। मैंने जब राधा माधव को देखा तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब ये डिटीज है। तो मैंने ऐसे सोचा कि मतलब मैं प्रभु जी को भूल ही गई थी यात्रा में। वहाँ पहले ये टेंशन था कि नहीं यात्रा में ना प्रभु जी अलग रहते हैं, माता जी अलग रहते हैं। मैंने कहा अरे ये क्या है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ कहीं, और वहाँ मुझे अलग और प्रभु जी को अलग कर दिया तो कैसे होगा। लेकिन मैंने तो प्रभु जी को भूल ही गई थी, मैं वो यात्रा के पूरे दिन मैं प्रभु जी को भूल गई थी। इवन प्रभु जी सोच रहे थे अरे वो मुझसे आके बात ही नहीं कर रही है, क्या हो गया उसको। मैं डीटीज के सामने खड़ी रहती थी, मैं डांस करती थी 2-2 घंटा, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली काफ़ी लोग, जब मैं इस्कॉन में नहीं थी तो बाहर से काफ़ी लोग बोलते थे अरे इन लोग इतना नाचते हैं ना, इन लोग ड्रिंक करके नाचते हैं, ये नशा करते हैं इन लोग, आपको पता है क्या करके। लेकिन उस वक्त मैंने ये फील किया कि मैंने कोई ना ड्रिंक किया ना मैंने कुछ किया, और मैं 2-2, 3-3 घंटे नाच रही हूँ, मेरे पाँव दुख रहे, लेकिन मुझे उस चीज़ का एहसास ही नहीं था। फिर और जब महाराज का लेक्चर ख़त्म होता था, उसके बाद मैं भागती थी कि कब मुझे डीटीज के दर्शन होंगे, कब मैं वहाँ डांस करूँगी, कब दामोदर अष्टकम करूँगी, मतलब मैं एकदम पागल हो गई थी और मुझे वहाँ से आना ही नहीं था। और वहाँ पे तब मुझे एक माताजी ने कहा था कि अच्छा कैसा जा रहा है फर्स्ट यात्रा, तो मैंने उनको कहा था कि माताजी मुझे लगता है कि मायापुर इतना सुंदर है तो बैक टू गॉडहेड कितना सुंदर होगा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। और इवन एक और इंसिडेंट था कि प्रभु जी को लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज प्रभु जी ने कुछ खा लिया था उस वजह से।
तो प्रभु जी को लगा कि अरे ये चारू तो मेरा कैरी नहीं कर रही है, मतलब वो कहाँ एक चक्र के लिए चली गई, वो तो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कहा नहीं, मैं मिस नहीं कर सकती, आप आराम से रूम में रहो, अपना रेस्ट लो, सब कुछ करो, मुझे एक चक्र जाने दो क्योंकि मुझे जाना है। और मैंने वो बिल्कुल मिस नहीं किया, मैंने एक चक्र, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चक्र है नित्यानंद प्रभु का वर्क प्लेस है, और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, जब मैंने मतलब वो एक एक चीज़ को मैंने फील किया कि यहाँ पे सच में कुछ होता है। एक ट्री था वहाँ पे, वो ट्री के नीचे बताते हैं कि वहाँ कृष्ण बलराम खेलते थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि सच में, मतलब वो फीलिंग आ रही थी मुझे कि हाँ सच में खेलते होंगे। और मैं एक एक जगह जा रही थी, वो प्लेस, वहाँ के लोग, मतलब सब ऐसे लग रहे थे कि कितने, मतलब इन लोग कितने अच्छे हार्ट के लोग हैं, इन लोग कितने खुश हो रहे थे एकदम, और सब कुछ स्पिरिचुअल लग रहा था वहाँ पे। और मुझे वापस आना ही नहीं था एक चक्र से, और शाम को महाराज का लेक्चर था, वो अटेंड किया। जब मुझे आना था एक चक्र से मायापुर के लिए, तब भी हमें ये था कि मायापुर में उस दिन वो गोपाष्टमी के दर्शन थे, वो करने थे हमें, तो हम इतना भाग भाग के आ रहे थे कि वो भी छूट नहीं जाए, मिस नहीं हो जाए। लेकिन जब हम आए तो हमें पता चला कि नहीं, वो दर्शन अभी भी खुले हैं, और मैं इतनी खुश हो गई थी। मायापुर की यात्रा से वापस आते वक्त मेरे कदम ही नहीं चल रहे थे आगे कि मैं कैसे जाऊं, बॉम्बे जाना है मुझे, ऐसे ही हो रहा था। और आज तक मैं प्रभु जी को यही बोलती हूँ, दिवाली मुझे यहाँ अटेंड ही नहीं करनी है बॉम्बे में, मुझे जाना है, मुझे वृंदावन ले चलो, मायापुर ले चलो, मुझे यात्रा जाना है, कहीं भी जाना है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है। बिकॉज़ फिर मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअल दिवाली क्या है। फैमिली बोलती थी बहुत, तुम तो दिवाली पे चले जाते हो, तुम लोग यात्रा चले जाते हो, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये तो गलत है, दिवाली पे घर रहना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा क्या, मतलब मैं जब मायापुर गई तब मुझे समझ में आया कि क्या होता है दिवाली, मतलब आप जाके भगवान को सर्व करो, डांस करो, भगवान का कीर्तन करो, ये होता है, या फिर लक्ष्मी जी का पूजा करके पूरा दिन आप किचन में खाना बना रहे हो शाम के लिए, फिर आप लक्ष्मी जी को ऑफर करके ये बोल रहे हो कि हाँ धन संपत्ति देना, ये सब। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है, मुझे मुझे दिल से लगा कि नहीं, यात्रा जाना, सब डिवोटीज का साथ, कीर्तन करना, यही सही है। और मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं हमेशा हर साल यात्रा जाती हूँ। मेरे फिर मेरी बेटी हुई, और उसका नाम चित्रा है, वो भी जगन्नाथ, हमारे घर पे जगन्नाथ जी के ड्यूटीज़ हैं, रोज़ खड़े होकर बात करती है जगन्नाथ जी से, हाँ जगन्नाथ जी आप खाना खा लो, जल्दी खाओ तो मुझे भी खाने मिलेगा। तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, बोलते नहीं जगन्नाथ जी जल्दी क्यों नहीं खाते, मम्मा मुझे भी भूख लगी है। तो काफ़ी बातें करती है, फिर मैं ड्रेसिंग करती हूँ भगवान का, तो वो जगन्नाथ जी को होल्ड करके खड़ी रहती है कि नहीं मैं आपको मम्मा हेल्प करती हूँ, ये चीज़ देती हूँ, वो चीज़ देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आरती करती है, कीर्तन करती है अपने पापा के साथ बैठ के, कभी कभी बोलेगी कि मम्मी चलो हम लोग मंदिर चलते हैं, मंदिर जाएगी तो बिल्कुल नहीं रुकती है, इतना डांस करती है कीर्तन में इतना कि मैं बोल ही नहीं सकती। इसलिए मुझे ऐसे लगता है करके कि मैं और मेरे प्रभु जी, हम लोगों को उसे बहुत कुछ देना है स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं हर चीज़ को जो भी हम देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसे देनी है, कि आगे क्या हो क्या नहीं हो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन एटलीस्ट हम हमारा पूरा एफर्ट उसके ऊपर डालना चाहते हैं। एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस्कॉन में आई और मुझे डिवोटी हस्बैंड मिले, शायद जिसकी तो मैं कल कल्पना भी नहीं कर सकती कि मुझे कैसे डिवोटी हस्बैंड मिल गए, मतलब मैं तो खुद डिवोटी भी नहीं थी फिर भी मुझे मिल गए। और मैं इतनी खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरी बेटी है, मैं, प्रभु जी, हम लोग जगन्नाथ जी को सर्व करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, और इवन मैंने ये चीज़ फील किया है कि हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स तो आती है, हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो जल्दी, मतलब हम इतने स्ट्रांग बन गए हैं उस चीज़ में कि हमें वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती नहीं है, तो हम लोग हर चीज़ में खुश हैं। और अगर कुछ ज़्यादा लगता है तो हमारे डिवोटी इतने फ्रेंड्स हैं कि वो हमें हेल्प करते हैं, इतना अच्छे से हेल्प करते हैं कि वो प्रॉब्लम ऐसे छूमंतर हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस्कॉन में आके, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये मूवमेंट में आइए, और ये इस मूवमेंट को इतना इतना स्ट्रांग कीजिए जितना आपसे हो सके, क्योंकि ये चीज़ ही है लाइफ का गोल और कोई नहीं है। मतलब आप एक्चुअली, आप जब सब मिलके, पूरी फैमिली मिलके अगर कृष्णा को सर्व करते हो तो वो कितना अच्छा होता है और कितनी अच्छी लाइफ आप जीते हो, आप सिर्फ ये सोचिए। हरे कृष्णा।